देवठान पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व आदिवासी सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं पुरखों के मान्यता के अनुसार मनाया जाता है। आइए देखते हैं यह पर्व कैसे होता है और किस प्रकार आदिवासी सभ्यता का मान्यता है। देवठान हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह पर्व मनाया जाता है। एक पात्र नहा धोने को तैयार होते हैं। पूजा के लिए तैयारी होती है। उत्सव हो रहा है, परंपरा चल रही है। घी, चावल, केला, धुवन, बड़ का पत्ता, साल का पत्ता, कासा लोटा, थाल में सिंदूर एवं घी का टीका पत्ता में तैयार किया जाता है। कच्चा बांस में चंदन, अर्पण, सिंदूर का टीका, बाद में हरा सफ़ेद झंडा भी बांधा जाता है। मिट्टी से वृक्ष के नीचे थान बनाया जाता है। हल्दी पौधा लगाया जाता है। हम लोग छोटे छोटे रहा उठले वही टाइम से पुरखा लोग घर में देवठान मनाया जाता है। उसका बाद में नौतुन रिश्ता लड़का लड़की का दो तीन दिन का बाद हफ्ता दिन का बाद कोई रिश्ता करने के लिए शादी ब्याह का चाहे नौतुन रिश्ता करने के लिए शुरू होता है। उसका पूजा में फल फूल लगता है, कांदा लगता है, मीठा वाला कांदा लगता है और वही सबको प्रसादी में चढ़ाया जाता है। ये पूजा करते रहे उकर बाद ही धान काटते रहे। हाँ देखा तो माने मुरु जैसे तैसे धान रोपे नहीं सले आगे पैक जाएला। आगे तो माने बड़का धान मन के रोपत रहे हैं, हिंती धान मन के रोपत रहे हैं, जसवा मन के ओहले देरी से पाकत रहे वाले ये पूजा कर के मतलब धान कटाई होत रहे। बहुत अच्छा से मन को खुशी देता है। खेत में धान उन कटने का खेत में काम करने का कोए कोते लोटी सनम रोहण तिंदुर जेसो रा राते मेदा सनम जरो चबा रा राते मेदा सनम जरो।